दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना किसी बॉक्स के FRP अनलॉक कर सकते हैं SPD CPU का। जिस मोबाइल में SPD CPU लगा है उसका आप FRP अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी बॉक्स के। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मंदानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे डेस्कटॉप पे सामने देख रहे हैं ये टूल जो आप देख रहे हैं ये SPD का FRP टूल है। इसी किसी भी SPD मोबाइल का FRP आप अनलॉक कर सकते हैं इस टूल से। और इस टूल को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उस वेबसाइट पर इस टूल की लिंक आपको मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा जिसे आपको एक्स्ट्रा हेयर करना है फाइल को, उसके बाद फिर से उसके अंदर में जाना है आपको फोल्डर के अंदर में और फिर से आपको उसे एक्स्ट्रा हेयर करना है, ठीक है। और 5-6 बार आपको इस तरह से करना होगा क्योंकि ऐसा हमने ऐसे इसलिए किया है कि आपको इस फाइल में जो होता है वायरस होता है और इस फाइल को जब भी आप एक्स्ट्रा हेयर करेंगे तो आपको अपना एंटीवायरस जो है डिसेबल कर देना है पूरी तरह से, तभी इस फाइल को आपको जो एक्स्ट्रा हेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपको ये टूल जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टूल जब आपको मिल जाएगा तो इस टूल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन अगर नहीं हो पाएगा आपके कंप्यूटर में तो आप इस टूल को आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टूल ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस टूल को आपको जो है डायरेक्ट इसका फोल्डर आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पर ले आना है उठा करके, और उसके बाद जब अपने डेस्कटॉप पर आप इस टूल को उठा करके ले आएंगे तो उसके बाद आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे। और इस फोल्डर को जब ओपन करेंगे आप तो उसके बाद इसके अंदर भी आपको टूल नजर आ रहा है, ये टूल को आप ओपन कर सकते हैं और इस टूल से आप SPD CPU का FRP अनलॉक कर सकते हैं। बाकी जो इसमें आपको और CPU दिखाई दे रहा है क्वालकॉम ये सब, तो ये सब का जो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ SPD का वर्क करेगा। इस टूल से कैसे आपको अनलॉक करना है, कैसे मोबाइल को आपको अनलॉक करना है SPD CPU का FRP, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने 6 महीने पहले जो डाल दिया था अपने यूट्यूब पर और हमारे सब्सक्राइबर की इस पे नजर नहीं पड़ी थी, चलिए मैं आपको दिखा दूँ उस वीडियो को कि उस वीडियो में कैसे हमने जो इस टूल से FRP अनलॉक किया था 6 महीने पहले। मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि वो जो वीडियो है कौन सा वीडियो है, चलिए आप यहाँ पे देख लें। वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोमैक्स Q381 वाला ये वीडियो है, सामने आपको मैं दिखा दूँ, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से दें। ऊपर में ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है माइक्रोमैक्स Q381 FRP अनलॉक SPD CPU का। और इस वीडियो को जब आप ओपन करेंगे और इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस टूल को आपको यूज़ करना है, कैसे उसका FRP अनलॉक करना है। और इस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो में जो है मिल जाएगी, ठीक है। हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कैसे आपको जो है SPD CPU का FRP अनलॉक करना है बिना किसी बॉक्स के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।